जाने का ऐसा तो नहीं दिख रहा ब्लर तो नहीं दिखना चाहिए हाँ जी गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल गुड मॉर्निंग आ गए तुम लोग अभिषेक विनय और कौन कौन है वैष्णवी क्यूट प्रिंसेस डीपीसी जावन चावन अच्छा सब लोग आ गए पर्पल ओशन नाम देखो तुम्हारे यहाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग निधि एंड आर्यन नवल एंड गौरव बालाजी पूजा कोई बात नहीं अब मैं उतना टाइम और एक्स्ट्रा ले लूँगी तुम्हारा बस खुश हैप्पी मॉर्निंग्स एवरीबॉडी यस 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 हैप्पी मॉर्निंग्स टू ऑल हाँ हाँ वो कल होमवर्क किया था तुमने जब मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था यू मेड द डायग्राम हाँ डायग्राम बनाया सबने रैपिड फायर प्लीज हाँ मैं रैपिड फायर लूंगी ना तो मैं देखूंगी भी तुम रिवाइज भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो हाँ रिवाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तो so, वो तो देखना ही पड़ेगा चलिए भाई गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एंड वी विल स्टार्ट हाँ वी विल अच्छा ठीक है तो रैपिड फायर राउंड हो जाए फटाफट -फड़ से एक रैपिड फायर राउंड हो जाए एंड देन उसके बारे में देखो कि भाई तुमने कितना लर्न किया है चलिए सो मुझे बताइए मुझे ये बताओ बेटा सबसे पहले रेडी हो सब लोग रेडी रेडी सेडी गो वन शॉर्ट वीडियो नीट के लिए गौरव बेटा शाम को साढ़े आठ बजे आज एनिमल टिश्यू की बारी है वन शॉर्ट रिविजन रेडी तो जोश एकदम ठंडा दिख रहा है हाँ जोश एकदम ठंडा दिख रहा है ऐसे ऐसे कैसे चलेगा यस रेडी रेडी गो वेरी गुड शाबाश सो वेरी सिंपल क्वेश्चन आई थिंक सबको आता होगा मैं देखती हूं आंसर कौन करता है पहले वेरी गुड बहुत बढ़िया द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज मुझे ये बताओ बेटा दैट विच ऑफ द एक्सेसरी ग्लैंड इज अनपैड आउट ऑफ द थ्री एक्सेसरी ग्लैंड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज

बाकी सेमिनल वेसिकल भी है, भी है है ग्लैंड वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी नाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये बताओ बेटा डक्ट सिस्टम में से सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सी डक्ट आती है डक्ट hmm? सिस्टम में सबसे पहले है ना जहां से आपका मेमोनिक स्टार्ट ही होता है वट इज द फर्स्ट डक्ट विच कम्स जहां से डक्ट स्टार्ट वेरी गुड शाबाश इट इज इट इज़ रीटी टेस्टिस देखो सेमिनल वेसिकल कैसे लिख रहे हो आप रीटी टेस्टिस रीटी इज़ वेरी गुड शाबाश प्रतिभा राहुल झा शिवेंद्र ईशिका उदय नेन्सी काव्या वेरी गुड रीटी टेस्टिस रीटी टेस्टिस वेरी गुड वेरी गुड अच्छा थोड़ा सा और इसको एक लेवल ऊपर लेके चलते हैं आउट ऑफ ऑल ऑफ द ड सिस्टम रवि वॉज ज्वाइनिंग इजी यूनिवर्स विच पार्ट और विच डक्ट इज हाइली कॉइल्ड सबसे ज्यादा हाइली कॉइल्ड डक्ट कौन सी है कम टेल मी चलो या अब अब देखूंगी मैं कौन सा हाँ, सबसे पहले आंसर देता है व्हिच हाउ विच वन इज हाइली कॉइल्ड कम एंड वी हैव द विनर विनय विनय ने सबसे पहले आंसर लिखा है यहाँ पे वेरी गुड फॉलोड बाय पुष्पिता निधि पर्पल ओशन वैष्णवी नटवर लाल अच्छा, कौन huh? सा है है है, so, कि आपने अच्छे से आपनी जो है, वो की राइट right? चलिए बहुत बढ़िया तो सबके लिए तालियां हो जाए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल सबके लिए तालियां हो जाए अच्छा एक थोड़ा आगे का लेवल क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जस्ट सी कि कितने बच्चों को आता होगा ये मुझे ये बताओ बेटा जेस्टेशन में जेस्टेशन सबको पता है ना द नाइन मंथ पीरियड इन विच मंथ दाइक डिसेंड इन टू स्क्रॉटमोटम में कब डिस कम आउट साइड ऑफ दोमिनल कैविटी ऐसा कौन से मंथ में होता है अच्छा क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर दे देते हो तुम्हारा वेरी गुड शाहबाश इट इज इन सेवेंथ मंथ वेरी गुड वेरी नाइस राउंड बहुत जरूरी होता है रिविजन का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना की आगे थ्यूरी पढ़ने का ठीक है चलो अब आज बनाएंगे हम फटाफट से एक डायग्राम एक डायग्राम बनाएंगे सो आई वेलकम एवरी बडी ठीक है ना सो so, बहुत 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 वही स्वागत है बच्चों तुम्हारा एंड आज बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकेंड लेक्चर है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्थ तो अगर आपने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है फर्स्ट टाइम आए हो तो जी हाँ तो आज हम लोग बेटा करने जा रहे हैं अभी देखते हैं कि सर ने क्या लिखा हुआ है आई बिलीव कि आपने ये डायग्राम बना लिया है आप सब ने डायग्राम बना लिया है बनाया था आपने डायग्राम ये यस yes?

वी विल मेक वन डायग्राम बच्चे जल्दी से आ जाना है सबने आ जाओ तो सबसे पहला सो so बेटा कल हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेस्टीज के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल सो लिटिल यू नो राइटिंग पोर्शन अबाउट इट टेस्टीज का क्या है मैंने क्या बोला है दे आर लोकेटेड कहाँ लोकेटेड होते हैं लोकेटेड इन स्क्रॉटम ठीक है scrotum, ना स्क्रॉटम विच हैंग आउटसाइड द स्क्रॉटम इट हैंग्स आउटसाइड द एबडोमिनल कैविटी आउटसाइड द एबडोमिनल कैविटी मैंने आपको कल बताया था कुछ एक ऐसे भी कुछ एक ऐसे भी ऑर्गेनिजम हैं जिनमें कि बेटा ऑल द टाइम टेस्टीज आर प्रेजेंट इन साइड द एबडोमेंट आप ऐसे उस, उस, उसके नाम आप बता सकते हैं मुझे फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट एलिफेंट की बजाय जो टेस्टीज होती हैं दे ऑलवेज रिमेन इनसाइड द एबडोमेंट ठीक है ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें खाली ब्रीडिंग पीरियड में बाहर आती है टेस्टीज द एग्जाम्पल इज बैट है ना तो so, ऐसे कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं डिपेंड ह्यूमंस के केस में कैसा है बेटा दिस दिस टेस्टीज यू नो दे लाइज इन द स्क्रॉटम लोकेटेड इन द स्क्रॉटम हैंग्स आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ठीक है ना राइट so, सो right. so, कितना टेम्परेचर होता है टेम्परेचर कितना होता है बेटा इसका टेम्परेचर इज 2 टू 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर व्हाई दिस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड बेटा

एम्ब्रियलीस्टीज डेवलप्स इन एबडोम ठीक है ना डेवलप्स इन एबडोम पीरियड की बात हो रही है ठीक है एबडोम और ये कब आती है बेटा बाहर कब आती है ड्यूरिंग द सेवेंथ मंथ है ना बट ड्यूरिंग सेवेंथ मंथ सेवेंथ मंथ ऑफ द जेस्टेशन सेवेंथ मंथ ऑफ जेस्टेशन क्या होता है बेटा द टेस्टीज लिटल अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टिरोन इज सिक्रेटेड अब इस पर्टिकुलर टाइम पे सेवेंथ मंथ में थोड़े समय के लिए बेटा द टेस्टीज वो क्या सिक्रिट करना शुरू करती है टेस्टोस्टिरोन अदरवाइज यू सी टेस्टोस्टिरोन कब सीक्रेट होता है हमेशा प्यूबिटी के टाइम पे लेकिन यहाँ पे थोड़े समय के लिए टेस्टीज विल बी फंक्शन दे विल भी सिक्रेटिंग टेस्टोस्टिरोन एंड उसके बाद में बेटा द दिस विल हेल्प द टेस्टीज उट ऑफ दीक है राइट डेस्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टिंग टेस्टोस्टिरोन दिख रहा है ना तुमको ये दिख रहा है huh. ना हाँ टेस्टोस्टिरोन इज सिक्रिटेड ठीक है ना

चलो आते हैं इस क्वेश्चन पे भी सो नाउ द टेस्टीज डिसेंड्स इंटू द स्क्रॉटम इसकी वजह से द टेस्टीज बेटर डिसेंड इंटू द स्क्रॉटम आउट साइड द एबडोमिनल कैविटी है ना कहां पे आउटसाइड द एबडोमिनल कैविटी तो ये सब मेल्स में हुआ ही हुआ है ये होना ही होना है देन आफ्टर दैट बेटा क्या होता है द टेस्ट इज स्टॉप सीक्रीटिंग द टेस्टोस्टिरोन ठीक है हाँ नाइस क्वेश्चन हाँ नाइस क्वेश्चन मैं आती हूँ इस भी question पे भी क्वेश्चन पे राइट सो बेटा एम्ब्रियोनिकली टेस्ट इज डेवलप इन द डोमिन बट ड्यूरिंग सेवंथ मंथ ऑफ द जेस्टेशन स्मॉल अमाउंट ऑफ टेस्टोटन इज सीक्रीटेड फ्रॉम दैट दे बिकम एक्टिव द टेस्ट इज कम आउटसाइड एंड

क्या कहते हैं कौन बताएगा चैट बॉक्स में लिख के मुझे वॉट इफ 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 द द फेल्स 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 दिस होल थिंग इज इट इट इफ फेल्स तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा क्रिप्ट और कॉइडिज्म वेरी गुड क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन है ना क्रिप्ट और कॉइडिज्म ठीक है ना क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन ऑर्किड का मतलब होता है टेस्टिस तो ऐसा कंडीशन जिसमें कि टेस्टिस आर लाइंग इन द एबडोमल कैविटी ओनली दे फेल्स टू डिसेंड इन टू द लाइक आउटसाइड द एबडोम कैविटी मुझे बताओ इस केस में द मेल वुड बी स्टेराइन और मेल स्पर्म फिर भी प्रोड्यूस करेगा टेल मी इस केस में क्रिप्टॉरकोडिज्म में मेल जो है बेटा वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा यस और नो ठीक है नहीं। स्पेलिंग तो ठीक है हा मेल वुड बी स्टीराइल क्या होगा बेटा मेल क्या होगा स्टीराइल होगा राइट right? मेल चाह भी प्रोड्यूस नहीं कर पा यू you नो know, तुम देखो आपको पता स्क्रॉटम में टेस्टिस क्यों होती हैं क्योंकि उनको टेम्परेचर कम चाहिए कितना टू 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 पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस लेस अगर वो एबडोमन में ही प्रेजेंट है दैट मीन्स टेम्परेचर 37 सेवन डिग्री सेल्सियस है दे कैन नॉट प्रोड्यूस स्पर्म्स अगर स्पर्म नहीं प्रोड्यूस कर सकते तो वो फर्टाइल नहीं है वो स्टीराइल है राइट right? ठीक है आई होप इट मेक सेंस डन ना डन 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 चलो वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया अच्छा अभी बात करते हैं हाँ अभी बात करते हैं अभी अगले पेज पे चल पड़ते हैं है ना हाँ बात करते हैं कि बेटा क्या बात करते हैं टेस्टिस सपोज कि आप ना एक बिल्डिंग में गए है ना एक बिल्डिंग में गए और उस पर एक बहुत ही बड़ा फ्लोर है उस फ्लोर पे कम से कम कितने कमरे हैं ढाई सौ कमरे हैं टू फिफ्टी कंपार्टमेंट्स हैं ध्यान से देखना हाँ टू फिफ्टी कंपार्टमेंट्स हैं एक एक फ्लोर पे ठीक है ना उस एक फ्लोर पे बेटा ढाई सौ कमरे हैं मैंने बोला है ना उन ढाई कमरों में से भी हर एक कमरे में तीन डिविजन है एक दो तीन एक दो तीन एंड सो ऑन, ठीक है ना सो दीज टेस्टीज इज जस्ट अब इसको तुम एक टेस्टीज इमेजिन कर लो इमेजिन कर लो कि एक टेस्टीज है ईच टेस्टिस हैज, ईच टेस्टिस हैज बेटा, फिफ्टी कंपार्टमेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स राइट right, बच्चे हर एक टेस्टिस में कम से कम 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और इसके बीच में ये जो येलो येलो प्रेजेंट है ना इसमें बेटा कम से कम भी हर एक ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में बेटा देर आर कम से कम 2 टू 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स सेमिनिफेरस टिब्यूल्स इज दैट करेक्ट दिस इज अंडरस्टूड टू ऑल समझ आ गया बेटा

सी बी एस सी वाला पेपर अच्छा गया बहुत बढ़िया यार वेरी गुड हाँ अच्छा जाना ही चाहिए फिर हाँ तो चलो बेटा आगे चलते हैं हाँ क्लियर 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 है बहुत बढ़िया तो इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है अब एक ना एक डायग्राम बनाते हैं फटाफट से एस टीज़ का डायग्राम बनाते हैं जो जो हमने कल पढ़ा है उसको करते हैं फटाफट से बनाए सब लोग बनाएँगे मेरे साथ में सब लोग बनाएंगे मेरे साथ में है ना बनाएंगे ना हाँ चलो तो इसकी बाहर भी एक है लेयर ऐसे करके ठीक है ये हम क्या बना रहे हैं ये टेस्टीज का डायग्राम बना रहे हैं हम लोग इसमें क्या क्या प्रेजेंट है ठीक है सब लोग पढ़ रहे हैं ना कल कल सबने सब पढ़ा है ना कि टेस्टीज में क्या है रीटी टेस्टीज़ ये वो आज सब उसकी लोकेशन देखेंगे हम लोग कौन सा कौन सा लेना चाहिए अब इसमें चलो ये लाल लेते हैं ठीक है ऐसे 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 और ऐसे ठीक है डन अच्छा अब इसके बाद में ये वाला कलर ले लेते हैं है ना आपको सब क्लियर हो जाएगा जो हमने कल पढ़ा है वो सब क्लियर हो जाएगा बेटा ठीक है ठीक है अब यहां से ऐसे डन बना रहे हैं ना सब लोग हाँ हाँ डायग्राम बनाना डायग्राम बनाना है सबने हाँ साथ में बनाना है डायग्राम हाँ ये क्या रहा होगा भाई चलो अभी नहीं पता चलेगा लेकिन अभी नहीं पता चलेगा ये इसके बीच में जस्ट से येलो कलर ले लेते हैं ना हाँ

अब इसके बारे में बात करते हैं अब दरवाजे पे कोई है आप कैसे करेंगे यार <laughs> आप कैसे करेंगे कहाँ कहाँ से जाएंगे ठीक है चलो एनी चलो फटाफट -फड़ से इसको लेबल करते हैं बेटा ये आपका टेस्टीज का डायग्राम हमने बनाया है एंड ये जो आपकी सबसे बाहर वाली लेयर है दिस पर्टिकुलर लेयर इट इज नोन एज ट्यूनिका वेजिनलिस आपकी टेस्टीज बेटा बाहर से कवर होती है एक लेयर से जिसका नाम होता है ट्यूनिका वेजीनलिस सिमिलरली एक अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो सारा स्ट्रक्चर है ट्यूनिका एल्बुजिया तो योर टेस्टीज इज प्रोटेक्टेड दैट वे ठीक है अब इसके अंदर में चलते हैं अब आपको मैंने क्या बताया था कि हर एक टेस्टीज में बेटा कितने कंपार्टमेंट होते हैं दैट इज योर कम से कम भी टू फिफ्टी टेस्टिकुलर लॉब्यूल तो ये जो पिंक कलर का दिख रहा है बेटा ये क्या है आपका ये हुआ आपका टेस्टिकुलर लॉब्यूल ठीक है टेस्टिकुलर लॉब्यूल हर एक मतलब ढाई सौ ढाई सौ पांच सौ दोनों को मिला के पांच सौ होंगे ये जो ब्लू कलर के इसके अंदर दिख रहे हैं मैंने एक ही बनाया है यहाँ पे दो से तीन हो सकते हैं इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं बेटा इसको हम कहते हैं सेमिनी फेरेस्टिब्यूल्स ठीक है बेटा अगर मैं आपको ये पूछूज में द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स आपका आंसर क्या होगा आपका आंसर होगा seminiferous tibules. Seminiferous tibules क्या है बेटा आपका दिस इज द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन यहां पे आपके या स्पर्मेटोजेनेसिस लिख लो या स्पर्म फॉर्मेशन लिख लो तो इस साइट पे बेटा आपके स्पर्म्स जो है वो बनेंगे पे? कहास्टिब्यूल्स में आगे चलते हैं ये किससे मिल रहे हैं दिस वाइट कलर पोर्शन द वाइट कलर पोर्शन ये वाइट कलर पोर्शन को बेटा क्या कहते हैं व्हाइट कलर पोर्शन को इसको कहते हैं हम लोग रीटी टेस्टिस ठीक है इसको हम कहते हैं रीटी टेस्टिस याद है ना कल वाला द फर्स्ट द फर्स्ट आपका जो डक्ट सिस्टम है उसको हम कहते हैं रीटी टेस्टिस रिटी टेस्टिज से बेटा ये जो यहाँ पे दिस ये ना अलग अलग से ये जो यहाँ पे निकल रही हैं यहाँ पे डक्स निकल रही हैं व्हाट डू वी कॉल रिटी टेस्ट से क्या रेट नहीं है बेटा रिटी टेस्ट अलदमाश इसको क्या कहते हैं रिटी टेस्टिस से रवि सोचो सोचो हाँ मैम एक एक ही कलर से बना रही हूँ मतलब थोड़ा अच्छा सुंदर दिखना चाहिए तो ज्यादा बढ़िया लगता है वैसा एफ्रेंशिया वेरी गुड तो बेटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे कैसे करेंगे इसको तो ऐसे कर लेती हूं है ना हम्म वैसा एफ्रेंशिया वैसा एफ्रेंशिया ठीक है तो ये हो गया आपका वैसा एफ्रेंशिया वैसा एफ्रेंशिया किसके साथ मिलता है ना वट इज दिस हाईली कोईलीइल्ड पार्ट पार्ट को क्या कहते हैं बेटा हम दिस ब्लू कलर पार्ट जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है इसको हम क्या कहते हैं एपीडी डी क्या कहते हैं बेटा एपीडी डी अब मैंने आपको क्या कहा था कोई बात नहीं अगर नहीं कलर्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कलर्स होंगे तो अच्छा लगेगा अगर ऐसा तुम डायग्राम बनाओगे तो समझ में भी आएगा और पढ़ने को भी मन करेगा ठीक है अभी तो एक साल पड़ा है ना तुम्हारे पास कर सकते हो इतनी मेहनत कर लो ना यार खुद के लिए तो कर रहे हो राइट तो एपिडी अब इसके तीन पार्ट है द सेकेंड पार्ट इज कॉर्पस ठीक है द लास्ट पार्ट इज इसको हम क्या बोलेंगे बेटा कौडा ठीक है ना द थर्ड पार्ट इज कौडा राइट right, तो तीनों पार्ट हो गए इसके कैपिट कॉर्पस एंड कॉडा कैपिट क्राउन कॉर्पस बॉडी एंड कॉडा कॉडा वर्ड हमेशा टेल होता है काउडा वर्ड कहीं भी आ गया ना कॉडल फिन है ना यूरो उसमें भी कौ, कौ, आपका एक और भी जगह कॉर्डल जहां भी कॉडा वर्ड आएगा आप देखना कभी भी बायोलॉजी में हमेशा उसका मतलब टेल होगा ठीक है ये आपका वैसा है फ्रेंड्स आ गया हाइली कॉल पार्ट एंड बच्चे ये लास्ट पार्ट क्या होगा आई थिंक ये सबको पता होगा दैट वुड बी योर वैस डेफरेंस क्या होगा ये वैस डेफरेंस होगा एक चीज यहाँ पे हम लोग मैं आपको कल बताई नहीं थी बट कोई बात नहीं आपका ये जो सेमिनी फेरस टिब्यूल से डक निकलती है ना इसको हम लोग कहते हैं टिब्यूलाई रेक्टाई क्या कहते हैं टिब्यूलाई रेक्टाई ठीक है तो ये हो गया बेटा आपका डायग्राम बना लिया सबने सबने बना लिया आई होप सबने बना लिया दिस इज अट्रक्चर ऑफ टेस्टीज मैं यहां लिख देती हूं हमेशा कोई भी डायग्राम बनाते हो उसका हमेशा नीचे उसका हेड ओ लिखा करो नाम स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीस क्या है ये स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीस राइट डन बच्चे डन अभी आपको सब पता चल गया ये टूनीका टूनीका ये ये टूनिका टूनिका क्या है ये लेयर्स का जो कवर करती हैं ठीक है ना जैसे उसमें होता है ना वो प्लूरा होती है आपका पेरिकार्डियम होती है जिसे कवर करती है हार्ट को लंग्स को कवर करती है तो इस तरीके से ये इसको कवर करती है डन डन है बच्चे डन हो गया क्रिस्टल क्लियर वेरी गुड बहुत बढ़िया ऐसी हाँ ऐसा ऐसा क्रिस्टल क्लियर तुम्हारे को हो जाए तो फिर स्पेलिंग पे मुझे काम करना पड़ेगा कोई बात नहीं स्पेलिंग पे भी हो जाएगा काम अभी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए डन है बच्चा ये मैं आपको ऑलरेडी कल बता चुकी हूँ कि रवि वॉज ज्वाइनिंग इज यूनिवर्स तो मैं बार बार नहीं बताऊंगी बट हमें नंबरिंग जरूर कर सकती हूँ इसका ए बी सी डी कर सकती हूँ इसका कि सबसे पहले वैसे तो सबसे पहले मोस्ट प्राइमरी डक्ट जो होती है वो होती है ट्यूबिलाई एकटाई होती है बट एनी वेज ए रिटिटेस्टिस बी वैसाफ्रेंशिया सी एपिडिडाइमिस डेफरेंस इसका सीक्वेंस हो गया है ना डायमंड क्लियर हो गया बहुत ही बढ़िया वेरी गुड अब हम क्या करेंगे बेटा अब हम देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द सेमिनिफेस्टब्यूल्स एक एक सेमिनि का हम लोग क्या देखेंगे बेटा स्ट्रक्चर देखेंगे कि अब हमारे सेमिनी में क्या क्या प्रेजेंट है डन बेटा ठीक है ना बहुत अच्छा बना है अरे वाह पूजा वेरी गुड इंस्टा पे टैग किया करो ना मुझे इंस्टा पे डायग्राम बना के टैग कर दिया है ना मीनाक्षी मैम बालू जी हाँ ठीक है आ, राइट चलो बच्चा अब हम बेटा किसका डायग्राम देखने जा रहे हैं अब हम देखेंगे कि मैंने क्या लिखा था सेमिनी फेरेस्ट इज द साइट ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन हम देखेंगे कि स्पर्म कैसे बनता है इसके अंदर ठीक है डन चले हा हाँ हाँ टिब्यूलाई हाँ टिब्यूलाइटाई इज नॉट एन एक्सेसरी डक्ट इट इज़ द प्राइमरी डक्ट विच इज़ इन्वॉल्व इन द स्पर्मेटोजेनेसिस उसको हम एक्सेसरी डक्ट नहीं बोलते हैं दैट इज वाई नॉट टेकन दैट ठीक है बेटा चलिए अब आगे चलते हैं अब हम बनाएंगे सेमिनी टिब्यूल का डायग्राम डायग्राम बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके इससे आपको बहुत चीज़ों की क्लैरिटी होती है ठीक है ना तो अब आओ बेटा सेमिनि टिब्यूल का डायग्राम बनाएंगे आ जाओ सही बना गोला ठीक है अब इस गोले के अंदर ऐसे करके है ना ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके और ऐसे करके ठीक है डन हो गया अब इसके साइड्स में हम लोगों को कुछ और बनाना पड़ेगा ऐसे करके हाँ ये हर एक दो गोलों के बीच में प्रेजेंट होगा ठीक है हर एक इनके बीच में प्रेजेंट होगा इनके बीच में भी प्रेजेंट होगा इनके बीच में भी प्रेजेंट होगा यहाँ भी प्रेजेंट होगा ठीक है डन बन गया हर जगह बन गया डन अच्छा अब इसको हम लोग देखते हैं बत, मैं बता देती तो हूँ लिख देती हूँ कि हम लोग क्या बना रहे ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेमि फेरेस्ट ट्रिब्यूल सेमनी ठीक है सेमनी फेरेस्ट ये बन रहा है ठीक है मैं आज भी इसके क्वेश्चन डालूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे है ना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना सबने आज भी क्वेश्चन डालूंगी कल भी डाले थे नीट विद मीनाक्षी मैम हाँ ठीक है ना ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है तुमने हाँ नीट विद अगर नहीं किया है अभी तक तो विदाउट स्पेस है ये ठीक है ये ज्वाइन कर लेना मैं यहां पे भी बारह एक बजे के अराउंड में आपको वो डालूंगी क्वेश्चन डालूंगी ठीक है ना ये टेली चलिए अब देखते हैं बेटा कि इसके अंदर में क्या क्या है अच्छा एक छोटी सी चीज तो रही गई जो बड़ी इंपॉर्टेंट है बनाना क्या ये क्या बन रहे होंगे बेटा क्या होंगे ये दीज आर द स्पर्म्स ऑल करेक्ट थे बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड सो लाइट नाउ अस जस्ट सी कि बेटा इसका क्या क्या स्ट्रक्चर है फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द सेमिनी फेरेस्टिब्यूल्स इसमें ये जो ग्रीन कलर के सेल है बेटा इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं सर्टोली सेल्स सर्टोली सेल्स के और भी नाम होते हैं नर्स मदर सेल्स द नर्स मदर सेल्स और इसका एक और नाम भी होता है सस्टेंटैक्यूलर सेल्स सस्टेंटैक्युलर सेल्स ये सारे इसी के नाम होते हैं सर्टोली सेल्स के राइट right? इसके साइड में जो पिंक पिंक मैंने बनाया है वो क्या है बेटा इसको हम कहते हैं ये है आपके स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया है आपके ये या आप इसको क्यूबॉइडल एपिथीलियम एपिथीलियम द जर्मिनल एनिमल टिश्यू में पढ़ा है ना आपने क्यूबॉइडल एपिथीलियम जब मॉडिफाई हो जाता है तो उसको हम जर्मिनल एपिथीलियम बोल देते हैं सो दिस इज द मॉडिफाइड एपिथीलियम एपिथीलियम क्यूबॉइडल जिसको हम जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं ठीक है बेटा डन डन हो गया चलिए वेरी गुड तो ये दो चीजें हमने मेन जो है इसमें पढ़ लिया आपका एक तो है सर्टोली सेल्स है, है और साथ ही साथ आपके आसपास में यहां पे यहां पे कुछ और तरीके के सेल्स भी होंगे यहां पे है ना यहां पे साइड में जो कि किसी सेल के अंदर में नहीं प्रेजेंट है है ना यह सेमिनी स्ट्रक्चर के अंदर में नहीं है इन सेल्स का क्या नाम होगा बेटा इन सेल्स का नाम होगा लेडिक सेल्स लेडिक सेल्स नाम होगा इनका या इनको एक और नाम से जानते हैं इंटरस्टीशियल सेल्स इसको क्या कहते हैं हम लोग इंटर सेल्स ठीक है बच्चे ये सबको क्लियर हो गया इतना सबको क्लियर हो गया स्पर्मेटोगोनिया ये सर्टोली सेल्स ये आपके लेडिक सेल्स और ये आपके स्पॉम्स स्पॉम्स को मैं नहीं वो कर रही बिकॉज इट इज अंडरस्टूड की स्पॉम्स हैं अब बात क्या है वो यू नो दैट द मेन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस दिस इज हाउ द सेमिनी फेरेस्टिब्यूल के अंदर आपके कितने तरह के सेल्स हो गए बच्चा फटाफट -फड़ से चार्ट बॉक्स में लिख के बताना आपके सेमिनी फेरेस्टिब्यूल के अंदर आपको कितने तरह के सेल्स दिख रहे हैं एक दो या तीन हाउ मेनी सेल्स आर यू एबल टू आइडेंटिफाई इन साइड द सेमिनी फेरेस्ट बूज इज इट वन टू और थ्री दीज आर टू द टू सेल्स कौन कौन से एक आपके सरटोली सेल्स एक आपके स्पर्मेटोग प्राइमोडियल सेल्स जिसको हम लोग कहते हैं राइट डन है बेटा चलिए वेरी गुड वेरी नाइस ठीक है सो सरटोली सेल्स क्या करते हैं बेटा दे आर द नर्स मदर सेल्स ठीक है ना दे नर्स मदर सेल्स वो प्रोवाइड करते हैं इन लाइक like, एक वन लाइन uh, में आपको बताऊंगी मैं प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ग्रोइंग स्पर्म्स और भी बहुत कुछ करते हैं बट दैट इज द मेन वर्क दे डू राइट जैसे ये जो स्पर्मेटोगोनिया है अब ये क्या करता है स्पर्मेटोगोनिया इज द इज द बेसिक सेल विच विल बी अ फ्यूचर स्पर्म तो स्पर्मेटोगोनिया में बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मियोसिस वन डिवीजन होगी उसके बाद में मियोसिस टू होगी एंड देयर विल बी फोर स्पर्म्स एक स्पर्मेटोकोनिया से कितने स्पर्म बनेंगे बेटा चार स्पर्म्स बनेंगे है ना आ, राएट, 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 राएट. हाँ राइट 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 हाँ हाउ मेनी स्पर्म्स वुड बी फॉर्म फ्रॉम द वर्स वन स्पर्मेटोकोनिया एक स्पर्मेटोकोनिया से चार स्पर्म बनेंगे ठीक है बेटा अब होता यूं है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स बने ठीक है ना और जब तक कि बेटा ये ढंग से मेच्योर नहीं हो जाते हैं स्पर्म है ना सपोज कि यहाँ पे बन बन रहे थे स्पर्मेटेड बना फिर स्पर्मेटोजोआ बना फिर ये यहाँ एंटर कर जाते हैं ये सर्टोली सेल्स में तब तक रहते हैं जब तक इसका अच्छे से नरिशमेंट नहीं हो जाता जैसे ही ये मेच्योर हो गए दे कम आउट है ना सर्टोली सेल्स पुशेज देम आउट एंड दे कम इन टू द कैविटी टोली सेल्स से उनका हेड स्पॉर्म्स का जब बाहर आ जाता है बेटा इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिशन क्या कहते हैं याद रहेगा सबको स्पर्मिएशन याद रहेगा सबको ये समझ आया बेटा हेन द सर्टोली सेल्स पुशेज द स्प और विद हेड कम आउटसाइड ऑफ द लाइक यू नो फ्रॉम द सर्टोली सेल्स इन टू द कैिटी इसको हम कहते हैं स्पर्मिएशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट right? हाँ 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 इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स ऑल्सो प्रेजेंट इन इंटर स्पेशल सेल्स विनय हाँ, हाँ. आ, बिल्कुल प्रेजेंट होता है वो बताती हूँ मैं कि क्या है इतना सबको समझ में आया पहले राइट right? ये आपके लेडिक सेल्स हैं या आपके सेल्स हैं इसका भी अपना एक रोल होगा लेडिक सेल्स का क्या रोल होता है बेटा सेल्स आपके सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन्स क्या सीक्रीट करते हैं एंड्रोजन्स जो कि आपके टेस्टोस्टिडोन बनाने में हेल्प करते हैं टेस्टोस्टिडोन बनाने में हेल्प करते हैं बेटा इसको हम इंटस्टिशियल सेल्स क्यों कहते हैं बिकॉज ये किसी भी सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं फॉर एग्जाम्पल एक सेल यहां प्रेजेंट है एक यहां प्रेजेंट है जो बीच में गैप है ना उसमें इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होते हैं राइट ठीक है तो यहां पे प्रेजेंट होते हैं एंड्रोजन और अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन बनाने में हेल्प करते हैं राइट ठीक है ना ऑल्सो कौन बच्चा आपके एनसीआरटी में बड़ा फैंसी ढंग से लिखा हुआ है इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियम लिखा हुआ है ऐसा देखो एनसीआरटी खोल के देखो उसमें लिखा हुआ है इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स आपके डब्ल्यू हैं ये उसका एक फैंसी सा दूसरा नाम है राइट डब्ल्यू आपको पता है हर जगह प्रेजेंट होंगे यहाँ प्रेजेंट होंगे यहाँ प्रेजेंट होंगे यहाँ प्रेजेंट होंगे यहाँ प्रेजेंट होंगे अब प्रॉब्लम ये है कि अगर स्पर्म गलती से भी डब्ल्यू के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो स्पर्म्स को जो डब्ल्यू हैं वो एनगल्फ कर जाएंगे ख़त्म कर देंगे और एंटीबॉडीज और बना लेंगे ताकि <laughs> अगली बार जब स्पर्म प्रोड्यूस हो

डन हाँ तो ब्लड टेस्ट इज वेरियर कौन बताया तो आप फटाफट फिर से सटोली सेल्स के बारे में कुछ एक चीज़ें लिखते हैं आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी कि क्या है सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है साइड में आपका जमीन लपीथीलम है जो कि स्पॉम बनाने में हेल्प कर रहा है ये आपको नरिशमेंट दे रहा है जैसे ही मेच्योर हो जाता है तो द स्पम कम्स आउट इन द कैविटी इट रिमेन्स हेयर और यहां से कहाँ जाएगा वो यहां से जाएगा टिब्यूला इरेक्टाई फिर रिटी टेस्टिस फिर वैसाफ्रेंशिया फिर एपिडीडा फिर वैस डेफरेंस डन डन है ना चलो अब आगे चलते हैं बात करते हैं एक एक करके सबके बारे में लिखते हैं शुरुआत करते हैं सर्टोली सेल्स अब थ्योरी लिखेंगे थोड़ा सा चलो आओ। तो सब लोग थ्योरी लिखेंगे अब आओ हेडिंग दो सर्टोली सेल्स कई बार क्वेश्चन आते हैं पेपर में इसके सर्टोली सेल्स या नर्स मदर सेल्स या सस्टेन सेल्स नर्स मदर सेल्स और सेल्स ठीक है ये मेडिकल वर्ड वर्ड हो गया इसके लिए वर्ड हो गया सस्टेन सेल्स राइट अच्छा अब बात करते हैं बेटा कि ये क्या क्या करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक पिट्यूटरी के हार्मोन से एक्टिवेटेड होते हैं इट इज स्टिम्युलेटेड बाय कौन स्टिमुलेट करता है स्टिम्युलेटेड बाय फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन्स बाई एंटीरियर लोब ऑफ पिटिटरी बेटा यह एंटीरियर लोब ऑफ पिटिटरी से सीक्रीट होता है हॉर्मोन ठीक है तो आपको यहां पर हॉर्मोन का भी पता चल गया सरटोली सेल को एफ एस एच जो है वो मीडिएट करता है डन दूसरा प्रोवाइड नरिशमेंट टू द फ्रेशली फॉर्म्ड स्पर्म्स नरिशमेंट टू द फ्रेशली फॉर्म्ड स्पर्म्स है ना ये दो मेन होगा इसके जो हमने सबसे पहले नंबर पे लिख लिए तीसरा बेटा बाइंडिंग प्रोटीन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इसका क्या मतलब हुआ बेटा अब देखो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का क्या मतलब है इट इज सिक्रीटेड बाय दिस इससे क्या होता है द एल एच हु सिक्रीटिंग टेस्टोसिडोन और एंड्रोजन्स इट विल अल्टीमेटली कम इन टू द कम इन साइड द सेमनी फेरेस्टिब्यूल है ना देखो यहाँ पे अगर इसने आपके एंड्रोजन सिक्रीट किए एंड्रोजन अल्टीमेटली कहाँ चले गए यहाँ पे चले गए सेमनी इसके सेमिनी फेरेस्टिब्यूल में जाएंगे ना अब ये सटोली सेल्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन करेगा सिक्रीट इसका मतलब ये आपने एंड्रोजन्स को बांध के रखेगा

राइट सिक्रीट ए बी पी अच्छा ठीक है दूसरा ऑल्सो है ना या आई थिंक इसमें लिखने की जरूरत दे ऑल्सो सिक्रीट इनहिबिन हॉर्मोन इनहिबिन एक हॉर्मोन है बेटा इनहिबिन एक हॉर्मोन है ये क्यों यूज होता है जब लाइक यू नो ऑफकोर्स जबकि एफ एस एस की सिक्रेशन ज्यादा बढ़ जाए तो कोई भी हॉर्मोन की सिक्रेशन हमें अपनी बॉडी में ज्यादा नहीं चाहिए तुम्हें पता है किसी भी हार्मोन की डेफिशिएंसी से और उसकी एक्स्ट्राशन से प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में तो इसलिए इनहिबिन हार्मोन इज यूज्ड टू स्टॉप द एफएसएच ठीक है ऑल्सो हाँ आपका जो सर्टोली सेल्स एक बहुत अच्छी और चीज सिक्रीट करता है दिस सिक्रीट द मलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर मलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर बेटा इसका क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ कभी भी कोई भी एम्ब्रियो बनता है बेटा तो उसका एक डिफॉल्ट प्रोग्राम क्या होता है एक लड़की बनाना हर एक एम्ब्रियो को एवरी एम्ब्रियो विच इज़ फॉर्मड दे हैव द डिफॉल्ट प्रोग्राम टू मेक देम अ गर्ल चाइल्ड इसीलिए मलेरियन डक्ट सब में एक्टिवेटेड होती है लेकिन जो मेल बनते हैं मेल में बेटा ये सर्टोली सेल्स आपकी हेल्प करते हैं टू यू नो मलेरियन डाक्ट को मलेरियन डक्ट होती है वैसे वो मलेरियन डक्ट को इनहिबिट करने के लिए तो गाइज यू शुड बी थैंक टू यूर सर्टोली सेल्स फॉर दैट है ना बिकॉज मलेरियन डाक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब यूट्रस सर्विक्स एंड वजाइना ठीक है तो ये बनता है इससे राइट सो दिस इज अ सीक्रेट मलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर इसमें से कई सारे क्वेश्चन पी वाई क्यूज है बेटा है ना हाँ इनिबिट तो पी वाई क्यू है और भी बहुत सारे हैं ठीक है ना ये समझ में आया सबको मलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर का मलेरियन इनहिबिट दे ऑल्सो हेल्प इन स्पर्मिएशन है ना स्पर्मिएशन भी में करते हैं और एक चीज एक और चीज ऐड कर लेना एक छोटी सी चीज और ऐड करना दैट इज दैट इज दे ऑल्सो ऑलसो हेल्पस इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस इसका क्या मतलब होता है जब हम स्पर्मेटोजेसिस पढ़ रहे होंगे ना बट इसको अच्छे से पढ़ेंगे स्पर्मियोजेनेसिस का क्या मतलब है ये स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करते हैं स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजुआ है ना स्पर्म Sperm भी लिख दोगे स्परमेटो इसमें कन्वर्ट करते हैं hmm. स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस तो आज आपने दो प्रोसेसेस जो है वो पढ़ी हैं। आई वॉन्ट यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट एक है आपकी स्पर्मिएशन ये पी वाई क्यू है आपका दो हजार सत्रह स्पर्मिएशन और दूसरी आपने पढ़ी है ये दोनों ही अलग अलग हैं। लेकिन दोनों में सर्टोली सेल इन्वॉल्व है कॉमन चीज ये है दोनों में ही सर्टोली सेल्स याद हैं हाँ वो वो तो लिखा ही नहीं भाई द ब्लड टेस्ट इज बैरियर मेरे पास जगह नहीं बची है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रही हूं सर्टोली सेल्स एट सैज द ब्लड टेस्ट इज बैरियर ब्लड टेस्टीज बैरियर ठीक है ना इसका मैंने आपको मतलब समझा दिया है कि क्या है दे प्रोटेक्ट द स्पर्म्स फ्रॉम द इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स वो प्रोटेक्ट करता है स्पॉम्स को फ्रॉम द इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स ठीक है बेटा डन डन हो गया डन हाँ वन डाउट पूछो बेटा पूछो मैं साइड हो जाती हूं पहले आपको दिख दिख जाए पूछो डाउट पूछो 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 हाँ कोई डाउट है तो वो पूछो हाँ पूछो डन डन ठीक है वेरी गुड लेडिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं खुद लिखो बेटा एक लाइन में लेडिक सेल्स सिक्रीट्स एंड्रोजन स्लैश टेस्टोस्टिरोन ठीक है ना हाँ मलेरियन वाला डक्लेयर नहीं हुआ बेटा हर एक बॉडी में ना हर एक बॉडी में मलेरियन डक्ट प्रेजेंट होती है गर्ल में भी बॉय में भी मलेरियन डक्ट जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल स्ट्रक्चर्स एक ऐसी वुल्फियन डक्ट होती है वुल्फिन डक्ट मेल के स्ट्रक्चर बनाती है एप्रीडाइमस वेस्ट एफरेंस वैसाफ्रेंस या रिटी टेस्ट सब बनाती है तो मलेरियन डक्ट हर किसी में प्रेजेंट है तो डिफॉल्ट प्रोग्राम हर एक एम्ब्रियो को लड़की बनाने का ही होता है ये मतलब कि बाई बर्थ है ठीक है तो जो लड़के होते हैं उनमें तो वुल्फिन डक्ट को बनाना चाहिए ना अगर मलेरियन डक्ट को बना दिया तब तो फिर पता नहीं क्या ही बन जाएगा वुलफिन डक्ट के कुछ होंगे मलेरियन डक तुम सोचो क्या ही बन जाएगा कुछ भी बन जाएगा राइट मलेरियन डक्ट को इनहिबिट करना बहुत जरूरी होता है बॉयस में इसलिए मलेरियन डक्ट को इनहिबिट कौन करता है वो ये करता है प्रमोटिंग फैक्टर्स को सर्टोरी सेल्स करते हैं ताकि वुल्फियन डक्ट ही बना पाए मलेरियन डक्ट नहीं बना पाए ठीक है राइट एल एच एक्ट ऑन लेडिक सेल्स एंड स्टिमुलेटेड बाय हाँ आई सी एस एच हाँ बिल्कुल सही बात है अगर आप लिखना चाहो तो लेडिक सेल्स के बारे में भी लिख लो एक लाइन है ना लेडिक सेल्स के बारे में बिकॉज काफी ज्यादा पी वाई क्यूज आए हैं इसको इंटस्टिशियल सेल्स कहते हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन इंटस्टिशियम ये इंटस्टिशियम में प्रेजेंट होते हैं भाई इंटस्टिशियम में ये क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं राइट एंड ऑल्सो दे सिक्रीट एंड्रोजन्स ठीक है ना ये एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं विच अल्टीमेटली जो कि क्या बनाते हैं टेस्टोस्टिरोन बनाते हैं द मेल हॉर्मोन ऑल्सो जैसे सर्टोली सेल्स एफ एस एच से स्टिमुलेट होता है दे आर स्टिमुलेटेड बाय एल एच है ना स्टिमुलेटेड बाय किससे स्टिमुलेटेड होते हैं एल एच से है ना? न्यूटनाइजिंग हॉर्मोन से राइट हाँ डन डन हो गया इतना लेडीज सेल्स भी हमने कर लिया डन 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 डन, चलो आगे चलते हैं अब हम थोड़ा सा आ, लिखते हैं उसके बारे में एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में राइट हाँ सब करो सेकेंड चैप्टर में आएगा हाँ भाई आएगा चलो अब आगे चलते हैं ट्रांसजेंडर्स में बेटा क्रोमोसोमल्स एबनॉर्मलिटी हो जाती है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे किसी एस में तो आई थिंक अभी हम लोगों ने टेस्टीज के बारे में लिया लक्ष्मी सी के अगर कुछ कुछ छूटता है अगर तो आई थिंक सब कर लिया है हमने अब हम बढ़ते हैं बेटा उसकी तरफ एक्सेसरी ग्लैंड की तरफ चल चलते हैं राइट ठीक है नहीं दो तरह के स्पर्म्स बनते हैं एक बनते हैं स्पर्म्स एक बनते हैं एक्स स्पर्म का जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है वाई स्पर्म्स का साइज़ जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है ठीक है बाकी बाकी बताएंगे इसके बारे में स्पर्मेटोजेनेसिस जब हम पढ़ेंगे ना उसमें बताएंगे आपको पहले अभी फिलहाल एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में लिख लेते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स आपने देखा ही होगा बेटा अनपैड चलो खैर वो तो डिफरेंट स्टोरी है द फर्स्ट इज योर सेमिनल वेसिकल ठीक है ना सेमिनल वेसिकल के बारे में लिखते हैं चलो शाबाश आ जाओ सब लोग सेमिनल वेसिकल्स तो आपको लोकेशन सबको पता है इसके बारे में कितना कंट्रीब्यूट करता है सीमेन का मैं आपको बताती हूँ बेटा टेस्टीज में से द स्पर्म्स आर कमिंग है ना स्पर्म्स आपने देख लिया कहाँ बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं कैसे निकल रहे हैं कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं नाउ दे हैव टू में आप सेमिनल वेसिकल से आके मिल रहे हैं अब क्या होगा सेमिनल वेसिकल भी उसमें अपनी सीक्रेशन को एड करेगा इसको हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा हर एक एक्सेसरी ग्लैंड डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज्यादा अमाउंट आपका सेमिनल वेसिकल करता है कंट्रीब्यूट कितना 60 टू 70 परसेंट ठीक है तो 60 टू 70 परसेंट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ द सीमन इज एडेडेड एडेड बाय सेमिनल वेसिकल ठीक है ना सेमिनल वेसिकल इतना आपकी एनसीईआरटी में एक ही लाइन में लिख दिया है कि इसमें क्या है सबसे बड़ी चीज कि इसमें प्रेजेंट क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है, है फ्रक्टोज जो नरिश करता है स्पम्स को है ना विच हेल्प्स इन द नरिशमेंट ऑफ द स्पम जी हाँ जी हाँ बिल्कुल सेमिनल प्लाज्मा हाँ फ्रक्टोज होता है मेनली क्या होता है बेटा इसमें फ्रक्टोज होता है मेनली इट हैज फ्रक्टोज इट आल्सो हैव सम प्रोस्टाग्लैंड प्रोस्टाग्लैंड होते हैं बेटा इसमें ठीक है ना एंड ऑल्सो प्रोस्टाग्लैंड होते हैं ऑल्सो एक और चीज प्रेजेंट होती है इसमें लेट मी टेल यू दिस वे। जब भी इजैक्यूलेशन होता है बेटा दैट टाइम द स्पर्म्स आर ट्रांसफर टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ठीक है दैट टाइम द क्लॉटिंग इज रिक्वायर्ड ऑफ दैट सीमन द क्लॉटिंग इज रिक्वायर्ड वो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होने चाहिए प्रेजेंट सीमन में दिसमन मतलब कि स्पॉर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा सेमिनल प्लाज्मा इज सिकेटेड बाय द एक्सेसरी ग्लाइंस एंड स्पॉम्स आपको पता है पीछे से आ रहे हैं तो बेसिकली इसका एक और मतलब होता है कि इसको कलेक्ट कर दो स्पॉम्स क्या नाउ दीज आर कलेक्टेड थ्रू द सेमिनल प्लाज्मा तो जब फीमेल डिप्रोडक्टेड ट्रैक में वो ट्रांसफर होता है उस वक्त उसको क्लॉट होना बहुत जरूरी होता है सो so, इसलिए कुछ क्लॉटिंग इन्जाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे क्लॉटिंग इनजाइम्स पता चल गया ना आपको दीज आर हेल्पफुल आफ्टर द इजैक्यूलेन इन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव राइट ना द सेकेंड वन इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड तो आप इसको लिख लीजिएगा वैसे तो हम लोग इसको लिख चुके हैं और मैंने आपको बता दी इट इज पेड टू इन नंबर दिस इज अनपैड वन इन नंबर बेटा अगर आपको एक लाइन में कोई पूछे ना कि प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या इंपॉर्टेंस है तो आप सीधा बोलोगे दैट मैम प्रोस्टेट ग्लैंड इज हेल्प हेल्पिंग इन द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म स्पर्म की मोबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाए इसका इसमें हेल्प कर रहा है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड राइट ठीक है तो कैसे लिखोगे आप इसको सबसे पहले तो इट इज कंट्रीब्यूटिंग इनटू 20 टू 30% ऑफ द सीमेन ठीक है ना

जहां जहां भी मोबिलिटी की बात आती है वहां पे कैल्शियम आइन जरूर प्रेजेंट होता है ऑल्सो प्रोफिब्रिनोलाइसिन प्रो अब देखो एक प्रॉब्लम थी तो एक सॉल्यूशन भी होना चाहिए साथ में ऐसा होता है ना हमेशा हमेशा ऐसा होता है जब क्लॉटिंग एंजाइम्स क्लॉट कर रहे होंगे सीमन को इन द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तब कुछ तो और चाहिए होगा ना जो उसको अनक्लॉट भी करे बेसिकली उस क्लॉटिंग को तोड़े भी है ना तो क्लम्प को ब्रेक करने के लिए हेल्प करता है आपका प्रोस्टेट ग्रांड का ये सिक्रेशन प्रोफिब्रिनोलाइसिन नाम में क्या लिखा हुआ है फिब्रिन मतलब क्लॉट लाइसिन मतलब तोड़ना लाइज मतलब तोड़ना तो प्रोफिब्रिनोलाइसिन उसको हेल्प करता है ठीक उसको तोड़ने में ठीक है ना राइट हाँ सिट्रेट प्रोफिब्रो भी बोल सकते हो हाँ लाइसेंस थर्ड एंड द लास्ट इज दर्ड एंड द लास्ट इज योर थोड़ा सा द लास्ट इज योर काउपर्स ग्लैंड इसके कई सारे नाम हैं काउपर्स ग्लैंड ऑल्सो नोन एज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ये कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ टू टू थ्री परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है ओनली टू टू थ्री परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है और ये किस किसमें हेल्प करता है बेटा? टू थिंग्स फर्स्ट इज देखो मेल से मैंने आपको क्या बताया था यूरिनो ट्रैक्ट इज द सेम राइट सो यूरिन की पैसेज के लिए भी और स्पर्म की पैसेज के लिए भी एक ही होता है यूरिन इज एसिडिक है ना उस वजह से द स्पर्म्स कैन डाई इन द ट्रैक्ट तो ये क्या करता है इट प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स प्रोवाइडिटी एल्टी टू द दूरीथ्रा एल्लिनिटी टू यूरीथ्रा है ना मतलब कि बेसिकली यूर एंड ऑल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ठीक है ना ऑल्सो हेल्प्स इन लुब्रिकेशन लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है दैट इज इट तो ये इसका जो है मेन फंक्शंस हैं इन तीनों के डन बेटा डन हाँ राइट right? डन ये डन हो गया न्यूट्रलाइज एसिडिटी या प्रोवाइड्स अल्कलाइनिटी एक ही बात हो गई द लास्ट बट नॉट द लीस्ट बिकॉज़ इसके मेल के मैक्सिमम पार्ट्स को खत्म कर देते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म कर देते हैं एक बस चीज रही है उसमें सो वो कर लेते हैं द पेनिस है ना द मेक कपुलेटरी organ है ना ये सब ने कर लिया होगा मैं एक बार पीछे हट जाती हूँ नहीं किया है तो एक वो ले लो स्क्रीन शॉट ले लो एंड देन उसके बाद में लेटस जस्ट कम हियर एंड दो द लास्ट द काप्यूलेटरी ऑर्गन कॉप्यूलेटरी ऑर्गन जिसको हम कहते हैं पीनिस अब इसका एक स्ट्रक्चर है जो आपको देखना चाहिए इस तरीके से हम लोग सब बनाएंगे ठीक है तो आपको पता है टेस्टीज में बाहर ये क्या प्रेजेंट होता है दिस इज द ट्यूनिका एल्बुजीनिया याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है जो हमने क्लास स्टार्ट की थी उस वक्त ट्यूनिका एल्बुजीनिया ठीक है ना अब इसके अंदर में हम लोग क्या बना रहे हैं बेटा दो कनेक्टिव टिश्यू बना रहे हैं और यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है राइट right? अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे दीस टू ये जो दो हैं ये कनेक्टिव टिश्यू हैं राइट तीनों ही कनेक्टिव टिश्यू है रादर इसकी लेबलिंग करते हैं दीज टू आर नोन एज कॉरपोरा कैवर कॉरपोरा कैवर एंड दिस इज नोन एज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कॉर्पस स्पोंसम ये क्या है बेटा सारे ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं ऑल ऑफ देम आर कनेक्टिव टिश्यू दिस इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू ठीक है connective tissue. This is also connective tissue. ना दिस इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू ठीक है यहां पे बीच में इसका यूरिथ्रल मियटस होगा दिस विल बी यूरिथ्रल मियटस ठीक है ना तो होता क्या है बेटा दिस इज़ द इंटरनल बेसिकली को आपने टीएस काटा है उसका मतलब दिखा रहा है आपको दिस इज नॉट टेस्टिस सॉरी दिस इज योर पीनियस तो कॉर्पोरा कैवरनोसा में और स्पॉन्डियोस में बेटा बहुत सारे ब्लड स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हाँ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इरेक्शन दीज ब्लड स्पेसिस आर फिल्ड विद द ब्लड एंड देन द इक्शन हैपन्स राइट एंड देन थ्रू द यूरिथ्रल मीएटर्स क्या होता है इजैक्युलेन सो दिस यू नीड टू रिमेंबर ओके वन एन अदर थिंग इज इजेक्शन एंड सॉरी इजैक्युलेशन एंड इरेक्शन द टू मकैनिज्म टू डिफरेंट मकैनिज्म ठीक है ना सिंपेटिक नोवर सिस्टम इशन इज में पैरा सिंपेथेटिक नोवर सिस्टम फटाफट से इसके बारे में थोड़ी दो तीन पॉइंट्स लिख लेते हैं दो तीन पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके बारे में आओ सो हाउ डू यू राइट इट हाँ, थ्री कॉलम्स ऑफ है ना ये क्या है आपके है ना दो कॉलम्स ये है एक कॉलम ये है ठीक है तो थ्री कॉलम्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू इज प्रेजेंट इरेक्टाइल टिश्यू इज प्रेजेंट ठीक है ना ये प्रेजेंट है बेटा हैव ब्लड स्पेसिस है ना उनमें क्या होते हैं ब्लड स्पेसिस विच आर फिल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिल्ड ड्यूरिंग द मकैनिज्म ऑफ इरेक्शन ठीक है filled during of, filled during mechanism of erection. ना फिल्ड ड्यूरिंग मकेनिज्म ऑफ इरेक्शन मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन ठीक है ना तो वजह से हेल्प करता है मैंने आपको क्या बोला इरेक्शन इज अ डिफरेंट मैकेनिज्म मैकेज मेंटेन्ड सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम पता है ना आपको नर्वस सिस्टम का पार्ट है एंड ऑल्सो द इजैक्यूलेशन इज अनदर मैकेनिज्म विच इज मेंटेन्ड बाय सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ठीक है आई थिंक इट शुड ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको ठीक है डन डन hmm. हो गया ग्लान्स पीनस है ना एक और एक और बात यहां पे लिख लीजिए द ग्लान्स पीनस ग्लान्स पीनस पता है ना आपको जो टिप ऑफ द होता है द ग्लान स्पीनस हैज ऑनली कॉर्पस पॉन्ज्यूसम वन कॉर्पस पॉन्ज्यूसम उसमें एक खाली वन कॉर्पस होता है दैट्स इट एंड ऑफ द स्टोरी ग्लान्स पीनिस हैज ओनली कॉर्पस दैट्स इट राइट द बॉडी हैज ऑल थ्री ऑफ देम है ना बॉडी जो बॉडी पार्ट है उसमें पूरा है द ग्लैंड टिप ऑफ द दिन ओनली हैज वन यू कैन सी द दूरथल मीटर्स ऑल्सो राइट ठीक है आई थिंक दैट इज इट डन 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 आ, आ, बिल्कुल 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 सब बेस्ट हैं यार प्लेटफॉर्म है ना सारे टीचर मेहनत करते हैं है ना वो भी बेस्ट हैं हम भी बेस्ट हैं है ना ऐसा थोड़ी होता है एम्स में जो पचास टॉपर्स होते हैं पहले उनमें ऐसा थोड़ी होता है कि या फिर जो टॉपर्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया के है ना जिसके बराबर नंबर आए होते हैं ऐसा थोड़ी होता है कि एक ज़्यादा इंटेलिजेंट है कम इंटेलिजेंट है ना सब बराबर है सब बराबर है ठीक है ना वो भी बहुत अच्छे हैं यहाँ भी बहुत अच्छा है ठीक है डिपेंड करता है आप पढ़ोगे कैसे पढ़ो भले कहीं से ही एट द एंड ऑफ द डे सेल्फ़ स्टडी सबसे ज़्यादा मैटर करती है जो ज़्यादा सेल्फ स्टडी करेगा उसके ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो ज़्यादा लंबा आगे जाएगा ठीक है बेटा ठीक है ना सारे यहाँ भी आपको सब बताया जाएगा मैं आपको एक बात गारंटी से कह सकती हूँ है ना ब्रैगिंग नहीं कर रही हूँ कि अगर ये वाले जो नोट्स मैं आपको दे रही हूँ ना दो वालों को ये नोट्स को आप पढ़ लोगे ना सिर्फ ये नोट्स को ही पढ़ लोगे ना मैं आपको लिख के दे सकती हूँ इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा ही नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता है क्योंकि ये नोट्स मैंने नौ साल की मेहनत से बनाए हैं ना? और बहुत 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 मेहनत करके बनाए हैं नोट्स मैंने कोई भी ऐसा ऐसा टॉपिक नहीं है जो नोट नोट से छूटा है ठीक है ना हैव फेथ और बस लगे रहो ऐसे है ना हम लोग खड़े हैं यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो नीट विद मीनाक्षी मैम मैं, मैं क्वेश्चन पोस्ट करूँगी आज से टॉपिक्स है ना मैंने छः सात क्वेश्चन कल किए थे मैंने पोस्ट तो आज भी करूँगी मैं नोट ज़रूर बनाना है तुमने ठीक है और उसके बाद में रिवाइज ज़रूर करते रहना है जो आपने कल पढ़ा आज पढ़ा अब हम अगला मंडे मिलेंगे अब ठीक है अब मंडे मिलेंगे आपने रिवाइज करना है तो मैं क्विज लूंगी आपका आते ठीक है तो इसलिए अब पढ़ने पे इन दो लेक्चर जो तुमने किए हैं इसको अच्छे से है ना ऐसे उसको बोलते हैं ना कि बाय हार्ट लर्न हो जाने चाहिए तुमको ठीक है बेटा सो थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच एंड बेटा ये मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगी ये हैंड रिटन नोट्स जो है ना बेटा टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रही हूँ हाँ इस क्लास के बाद ही डाल रही हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रही हूँ ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप को ठीक है और ये ये भी वैसे आपको लिखा हुआ है इसके बारे में ये ये भी आपको दे दूंगी मैं ये भी हमने बनाए हुए हूँ ये भी मेरे ही नोट्स हैं तो ये ये देखो ना ऐसे ही यहाँ पर डाइग्राम के साथ हैं तो ये भी आपको मिल जाएंगे ये सारा कुछ टेलीग्राम पे मिलेगा आपको ठीक है बेटा सब कुछ टेलीग्राम पे मिलेगा है ना ग्रुप ज्वाइन कर लो नीट विद मीनाक्षी मैम ज्वाइन कर लो राइट तो हाँ बेटा तो कोई ऐसे बच्चे होते हैं मेरे जिनको चाहिए है कि यार मेरे को पर्सनल अटेंशन मिले है ना मैं एक टीचर से डायरेक्टली बात करूं सपोज़ मैम पढ़ा रही है तो मैम से मैं डायरेक्टली बात करके पूछूं कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसे बच्चों के लिए बेटा हमने ये प्रोसेस बनाया है ये कोर्स लॉन्च किया है और इस कोर्स की सबसे ख़ास बात ये है कि ये कोर्स जो तो है ना बेटा अगर आप इसको लेते हो वो आपका एक टेस्ट लेंगे जब आप एंटर करोगे और एक टेस्ट तब लेंगे जब आप नीट 2023 से एक दो महीना पहले अगर आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट नहीं आया होगा तो आपके सारे पैसे आपको वापस कर देंगे वी आई पी मैने वेदांतो इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस तो इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा हाँ आपको अटेंडेंस और असाइन जो है वो करने पड़ेंगे पूरे एंड दिस प्रॉमिस वुड बी फुलफिल्ड मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या है इस कोर्स में इस कोर्स में बेटा फुल सिलेबस रिविजन है ए आई लाइव के नाम से ये क्लासेज हैं फुल कोर्स रिविजन्स हैं इसमें ठीक है और इसमें इसकी एक्सेस आपको नीट दो तक मिलेगी आपको बेटा फोर्टीन अप्रैल से शुरू हो चुका है बट डोंट वरी आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा नवंबर 2022 में आपका सिलेबस ट्वेल्थ क्लास का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपकी रिविजन्स चलेंगी दिसंबर 2022 से नीट 2023 आपकी इलेवंथ सारी होगी ट्वेल्थ सारी रिवाइज होगी और आपके मॉक टेस्ट होंगे नीट दो तक ठीक है ना टू फिफ्टी एट असाइनमेंट्स मिलेंगी ये कैसे ले सकते हो आप बेटा आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैम का कोड है एम एस प्रो अगर आप मैम का कोड लगाओगे बेटा तो आपको उसमें ऑफ मिल जाएगा अदरवाइज ये कोर्स है आपका दस हज़ार का मैम का कोड एम एस प्रो अगर आप लगाते हो बेटा उसमें तो एट वन जीरो जीरो में मिल जाएगा मैम का कोड है एम एस प्रो ठीक है बच्चा तो आप जा आप जाके देख सकते हैं मैं आपको बता भी देती हूँ कि कैसे करना है कई हमारे बच्चों को नहीं पता होता जो मेरे जैसे होते हैं है ना जिनको थोड़ा थोड़ा टेक्नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं होता है तो वहाँ पे ये क्लिक मोर पे आप जाओगे तो उसको क्लिक करोगे तो ये अगर आप हिंदी में ज्वाइन करना चाहते हो तो हंग्लिश पे क्लिक करना इंग्लिश में ज्वाइन करना चाहते हो तो इंग्लिश पे मतलब इंग्लिश में ही बात करेंगे जैसे मैं भी पढ़ाती हूँ इस इस कोर्स में मैंने भी पढ़ाया है तो वो हिंग्लिश है मतलब आधा इंग्लिश आधा हिंदी तो ये हंग्ल बैच है तो इस पर क्लिक करना तो, तो तुम पहुँच जाओगे ठीक है यहाँ पर ये बताया हुआ है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो कहाँ गया भाई हाँ ये रहा है ना इसमें आप इस कर सकते हो आई थिंक ऑलरेडी कोड अप्लाई है इसमें है है ठीक बेटा बच्चों thank you so much. वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ठीक है मिलते हैं अब मंडे को है ना हाँ हाँ हा. टेलीग्राम ग्रुप का नाम मैं आपको लिख देती हूँ टेलीग्राम उसमें आपने ज्वाइन uh, कर लेना मैं आपको क्वेश्चन पोस्ट करूंगी अराउंड ट्वेल्व टू वन के बीच में क्विज ये रहा ठीक है ठीक है डन बच्चे बाय बाय अब मिलेंगे मंडे को ठीक है डन चलो ओके बाय 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 बच्चों